सो मैम, आप कैसे मिले इनके साथ और कैसे आपको एक्सपीरियंस मिला इनके साथ वर्क करके, मुझे ज़रा बताइए। मैं एक डायरेक्टर थ्रू मिली थी राहुल सिंह, और एक बार हम इवेंट में भी मिल चुके हैं, और एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था काफ़ी। मैं गुजरात, मतलब गुजरात में बहुत कम जाती हूँ मैं, सो इनका भी फर्स्ट प्रोजेक्ट है, सो इट्स गुड। और इनका नेचर भी काफ़ी अच्छा नेचर है, और इनका डेब्यू है, तो ये और भी आगे जाए और भी अच्छा काम करे। ओके एंड मैम, ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि इनके सॉन्ग में आपको ऐसा क्या दिखा जो आपको बहुत अच्छा लगा? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो करने का रीज़न यही था, सॉरी, ही इज़ गुजराती, ही इज़ फ्रॉम गुजरात, राइट? यस सो आई एम गुजराती, सो मैं काम कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ अगर कोई गुजराती कोई आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। सो दैट्स वाई मैंने ये गाना करा, क्योंकि राहुल ने खुद सिंग करा है गाना, बहुत अच्छी बात है ये एज में, सो दैट्स वाई हमने सपोर्ट करा। और ओके एंड आप बताइए सर कि आपको कैसा लगा मैम के साथ फर्स्ट टाइम वर्क करके, जो जिनका लेवल इतना बड़ा है, आपका ड्रीम था? मैंने तो इसलिए सॉन्ग जिस टाइम बनाया था, तो उस टाइम ये बहुत लंबा प्रोसेस हो गया इसमें, तो हम लोगों ने 150 मॉडल लिए थे, ये बेबी जी जैगुआर ही चलो, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो बेबी जी अंकिता दवे निकलने वाली है। तो ये हाँ, और मतलब जितने भी लोग थे फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, वो सब देख के हिल गए कि फर्स्ट सॉन्ग में अंकिता दवे को लेके आ गया बंदा। मतलब बहुत सारा अच्छा चीज हुआ इसके अंदर, और इन मैम के साथ काम करके मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि मैं किसी बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम कर रहा हूँ। एकदम फ्री, जैसे फ्रेंड फ्रेंड में होता है, कुछ तुरंत संभाल लेते, कुछ गलतियां होती हैं, तो ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम किया। बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे कोऑर्डिनेट कर लिया। अच्छा, एंड एक चीज और पूछना चाहूंगा कि शूट कितने दिन तक का था आप लोग का? हम लोग का शूट एक दिन का ही था, मैं मॉर्निंग मॉर्निंग टू लाइक नाइट कर। ओके डायरेक्टर।